तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो संध्या होता है उसके साथ करता है ना। नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार ने देश को बहुत कुछ दिया। पहले राष्ट्रपति बिहार से ही थे, लेकिन आज शायद अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होते तो बहुत शर्मिंदा हो जाते, क्योंकि लोकतंत्र की एक इकाई बिहार की विधानसभा में वहां के मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसा कह डाला जिससे पूरा देश शर्मसार हो गया। नीतीश कुमार ने जो कहा वो इंटरनेट की सुर्खियों में है। सुनिए कि नीतीश कुमार महिलाओं के बारे में किस अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं। कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो संध्या होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक। देश या महिलाएं ही नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार भी इतने शर्मसार हो गए कि उन्होंने बाद में आके माफी मांगी। लेकिन माफी मांगते वक्त वो बार बार अगर शब्द का प्रयोग कर रहे थे। अगर मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, अगर मुझसे गलती हुई हो तो मैं माफी मांगता हूँ, खुद की निंदा करता हूँ। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूँ और मैं अपनी निंदा करता हूँ। मैं दुख प्रकट करता हूँ कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूँ, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूँ और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूँ। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर कह देने से नीतीश कुमार खुद का बचाव करने में भी जुट गए? शायद इस विषय पर आप सब परिचित होंगे। विधानसभा में नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने महिलाओं के प्रति एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सदन में बैठे खुद उनकी पार्टी की महिला नेता असहज हो गईं। बहुत सारे लोग मुंह छुपाने लगे, लेकिन वो महिलाओं की सेक्स एजुकेशन पर बोलते गए। बोलने के साथ साथ इतना ही नहीं, उन्होंने पत्रकारों को भी स्पेशली आवाज देकर कहा, सुनिए पत्रकारों को तो ये खास तौर से जानना चाहिए क्या बताना चाहते थे वो। ये एजुकेशन सब चीज़ों का हिस्सा है, सेक्स एजुकेशन हमारे देश में यथावत तरीके से पहुंचाई जा रही है, लेकिन जहां सेक्स एजुकेशन की बात होती है उतने ही अपराध इसके प्रति बढ़ते भी जा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।